हर एक की मुराद को पूरा फरमा। जो बीमार है, बीमारी के लिए उन्होंने कहा है अल्लाह तू बीमारों को शिफाए कुल्ली अताई इनायत फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम सामीन, 29 रजबुल मुरज्जब की तारीख शुरू हो चुकी है, 20 फरवरी है। खबर का उनवान है दारुल उलूम में तकमील बुखारी शरीफ। मगरबी यूपी के कस्बा जलालाबाद के दीनी इदारा दारुल उलूम में आज बुखारी शरीफ पूरी हुई है, जिसमें माशाल्लाह 10 तलबा ने आलिमियत का कोर्स मुकम्मल किया है। इफ्ता से 4, हिफ्ज़ से 3 और तजवीज़ से 2 तलबा ने फरागत हासिल की है। इन सब की दस्तारबंदी हुई है। इजलास में इदारे के शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यामीन ने तकरीर की है, जिसकी वीडियो हम पेश करेंगे। निजामत मौलाना वासिफ अमीन कासमी ने की है। इजलास की शुरुआत कारी अमीर आलम की तिलावत कलाम पाक से हुई है। बुखारी शरीफ से फारिग होने वाले अब्दुल्ला देहलवी, मोहम्मद समीर लोनी, नूर इस्लाम कलडगन, मुजाहिद मीराती, अब्दुल कादिर इस्लामाबाद, मोहम्मद सलमान रानी, असलम मुजफ्फरनगरी, इमरान बहसानी, अब्दुल माजिद तेवड़ा, ताज मोहम्मद बलोचपुरा, नीस इफ्ता से मुफ्ती मुदस्सिर बहसानी, उसामा बिजनौर, शादा बड़ोत, अरफात कैराना, तजवीद से साबिर मिवात और मोहम्मद ताबिश सोजनी, हिफ्ज से फरहान लोनी, नाजिम मिवात, अनस पुरबालियान की दस्तरबंदी हुई है। खसूसी शुरका में मौलाना याकूब बुलंदशहरी, मौलाना हुसैन, डॉक्टर जमाल कासमी, खतीब मौलाना जावेद बुलंदशहरी, मौलाना इंतज़ार, कारी सलीम नानोतवी, मौलाना ज़ियाउल इस्लाम, हाफिज सलीम, कारी शौकत वगैरह के नाम काबिले ज़िक्र हैं। इजलास को कामयाब बनाने में मौलाना रिजवान अमीन, मौलाना फैज़ान अमीन, मोहम्मद फरहान अमीन, फजैल अमीन, मुफ्ती मुकर्रम, मौलाना राशिद, मौलाना मुस्तफ़ा, मौलाना आसम अहमद, मौलाना वसीम, मुफ्ती कलीम, कारी आसिफ, मौलाना शफात वगैरह के नाम काबिले ज़िक्र हैं। मौके की चंद तस्वीर और वीडियोज़ भी पेश खिदमत हैं। बजी हो गया पूरा। तराजू बेकार नहीं होगी, बल्कि वो तराजू इंसाफ वाली तराजू होगी। जरा बराबर किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, बल्कि फमैया अमल मिस्कालतिन खैरिया। अगर जरा बराबर तुमने यहाँ नेकी की होगी, उसे भी तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा। उसे भी वहां पेश किया गया। इसलिए तुम्हारे तमाम आमाल को हम महफूज कर रहे हैं और तुम्हारे अमल का बदला इंसाफ के साथ में दिया जाएगा। इसीलिए मवादीन अल-क़िस्त यौम अल-क़ियामा, अमल करते करते तुम्हें उसका बदला पूरा पूरा दिया जाएगा। तुम्हारे आमाले सालिहा का जरा सा भी तुम पर छुपा कर कोई जुल्म नहीं किया गया। लेकिन यहाँ मवादीन जमा लेकर के आए हैं। मवादीन जमा क्यों लाए? अल्लाह तबारक व तआला को आलिमुल गैब व शहादा यहाँ अल्लाह ताला जो आईन करेंगे, इन बातों के जवाब मवादी जमा। हकीकत तो ये है कि जो कयामत के दिन तराजू आईन की जाएगी, वो तराजू आईन करना अदल और इंसाफ को जाहिर करने के लिए होगी। बंदे ने जो अमल किए उन अमाल का बदला अल्लाह ताला देने के लिए पहले जाहिर करेंगे। तुम्हें जन्नत इसलिए दी गई कि तुम्हारे अमल ये, तुम्हें जहन्नम में इसलिए भेजा गया कि तुम्हारे ये।
पर मंदिर से लिया आदमी को लिया ठीक है। मिलान बहुत सी तराजू आई पड़ेंगे, जैसे दुनिया में बहुत तराजू, कोई कोई सोना चांदी तोल देगी, कोई लकड़ी तोल देगी, कोई गाड़ियां तोल देगी, कोई जिहाद तोल देगी, कोई बुखार को तोल देगी, कोई सर्दी को बताने की तराजू अलग अलग हैं। कोई बदन का अमल है, कोई माल का अमल है, कोई रुमाल का अमल है, कोई खुशी नौयत का अमल है, तो हर अमल को तोलने के लिए अलग अलग तराजू से अगर हो अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं। मगर यहाँ जहाँ जो लेकर के आए हैं ताजीम की बिना पर लाए, तराजू तो एक होगी मगर वो एक तराजू इतनी बड़ी होगी, सातों जमीन सातों आसमान एक पलड़े में रख दिए जाएंगे तो इतनी बड़ी तराजू होगी, तो इसलिए उसे ताजीम की बिना पर जमा। लेकिन हदीस पाक में आता है वो तराजू जिसके दो पलड़े होंगे और इस तराजू को उठाने वाले जिब्रील अमीन फरिश्ता होगा। हर आदमी नहीं उठा सकता, हर फरिश्ता नहीं उठाएगा, अल्लाह ने जितनी इतनी कुव्वत बता सकती है वो पूरी जमीन और आसमान पकड़ने में और उसे पकड़े हुए जिब्रील होंगे, क्योंकि उनको अल्लाह ने इतनी कुव्वत बता सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला कयामत के लिए मवाज़ीन मीज़ान एक तराजू होगी, मगर अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, एक चीज में हजार चीजें फैला उसी एक तराजू को अल्लाह ताला ऐसा बना देंगे, इबादत अलग, मालियात अलग, अकाइद अलग, मुआशरा अलग, हर चीज का वजन वो तराजू बता देंगे। और हकीकत तो ये है कि तराजू तो यहाँ जो जिक्र फरमाया हमें और आपको समझाने के लिए है, हमें और आपको समझाने के लिए दुनिया के मिसाल देकर बताया, अल्लाह ताला के दो जुबान में, अल्लाह के दो इरादे में, अल्लाह के दो इख्तियार में वो कह देंगे कि फला फला के अमल सामने आ जा। जब एक बहुत बड़े 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 गैर ईमान वाले को बुलाया जाएगा, गैर ईमान वाले पूछा जाएगा तूने क्या किया, वो कहेगा वल्लाह रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकी, कसम खुदा खुदा मैंने तो आप वहां भी अल्लाह की कसम खा कर कहेगा मैंने आपके साथ मैं तो कभी शरीक नहीं किया, मैंने तो खाली अपनी इबादत की है, आप ही को मेरा रब माना है, आप ही की मैंने इबादत की है। अल्लाह कहेंगे बिल्कुल झूठ, आपके पास अलग हम आपके दावे को रद्द करते हैं और एक नहीं दो तरह रद्द करते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला क्या कहेंगे, इसका नाम आया अमान, कौन सा नाम आया अमान, जब बच्चा बाली हो गया अल्लाह की तरफ से फैसला है हर मुसल्लत रहते हैं जिनका नाम जिनका काम अल्लाह ने खुद बता दिया, इन्ना अलैहिम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। दो फरिश्ते हैं एक दाएं जाने एक बाएं जाने, हमें और आप फरिश्ते का तसव्वुर और ख्याल करें, हम अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं कर सकते, वो हमारी हर अच्छी बात हम करेंगे दाईं जानिब वाला फरिश्ता लिखता है, बाईं जानिब वाला फरिश्ता हमारी हर गुनाह हर वक्त लिखता है, हम सोते भी रहे मगर वो सोते नहीं, वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए, ये नामा अमान है, जब कयामत का दिन होगा उस नामा अमान को कहा जाएगा। बता दो पूरी जिंदगी का कारनामा, तो वो तमाम
बोलना शुरू कर देगा। एक जिंदगी का शोभा कोई अमल कोई बात ऐसी नहीं होगी जो उसमें मौजूद ना हो, तो तब वो क्या कहेगा? माली हादन किताब, बड़ी अजीब किताब है। ना युगादी सबीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिनू हाजिरा। दुनिया में जो किया है वो सिर्फ वहां पर, वो किताब वो नामा आमाल बोलना शुरू कर सब बता देगा, ताज्जुब से कहेगा इसने तो मेरी जिंदगी की कोई बात ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाएंगे है अभी तो एक दलील एक शहादत एक गवाही हुई है, हर बात के लिए कम से कम दो शहादतों की दो गवाही की जरूरत है। अल्लाह ताला कहेंगे आज तुम्हारी जुबान तो बंद है, तुम्हारे ये हाथ तुम्हारे ये पैर तुम्हारे हैं, अगर एक जाड़ में दर्द हो गया पूरा जिस्म बेचैन हो जाता था, तुमसे इतना ही ताल्लुक और इतनी मोहब्बत आपस में है, तुम्हारे पैर तुम्हारी बातों को बोलना शुरू करेंगे। तो ये हाथ ये पैर ये हाथ हमारी तमाम करतूत को महफूज कर रहे हैं, हमें किसी कातिब की किसी मुहाफिज की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया किसी इंसान के जिस्म की कोई मिसाल नहीं है। ये हाथ हमारे आज हम बना रहे हैं, मोबाइल है टेप रिकॉर्ड है रिकॉर्ड करने की मशीनें हैं, ये तो हमारी इसने हमने फला पर जुल्म किया, इसने चोरी की, इसने कदम के जरिए फला जगह गया जो गलत अपनाया, ये खुद हमारे आदा हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी इस किताब के आखिर में आखिरी सबक में आखिरी दिन की बातें बता रहे हैं और वहां पर हमारे आमाल को तोड़ने की खबर दे रहे हैं। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बड़े सही बड़े समझदार बड़ी बड़ी बातें कहने वाले वो अपनी किताब में बताना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है दुनिया दुनिया को आखिरत के लिए खेती है, यहाँ पर हम खेती कर रहे हैं और खेती करने का समरा और नतीजा आखिरत में है। यहाँ कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का भी हमारे दिलों में मौजूद है, हमारे आदा उसकी शाखें हैं और इनके जरिए जो हमारा और इनके जरिए जो हमारा वो तमाम की तमाम आखिरत में दी जाएगी। इसी बिना पर खुद अल्लाह ताला हमें मिसाल दे रहे हैं, मसल कलिमत तैयबत का शजर तैयब असलुहा साबित व फरुहा तमाम तुकी उकुला कुल दी बिइذن रब्बिहा व यज़रिबु अल्लाहु ताला लिना। क्या ही बता कलमाए तैयबा की मिसाल, कलमाए तैयबा की मिसाल, पाकीदा बेहतरीन अच्छे फल वाला जिसकी जड़ जड़ जमीन में मजबूत है और ये जमीन इंसान का जिस्म, जिसकी जड़ जमीन में मजबूत है और ये जमीन इंसान का जिस्म, वफरहा फिस्समा और इस कलमे तैयबा दरख्त की जड़ जो जमीन दिल में है इसकी शाखें आसमानों में। वफरहा फिस्समा क्या है वो फरह? जब एक मोमिन ईमान अमल करता है नेक अमल अल्लाह ताला फरमाते हैं वो उसके आमाल सालिहा सब ऊपर मेरे पास आ जाते हैं।
जब कोई फरिश्ते उन आमाल सारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सातवें आसमान मेराज के मौके पर मुलाकात हजरत इब्राहिम तो हजरत इब्राहिम अपनी उम्मत को जाकर मेरी सलाम कहते हैं। हजरत इब्राहिम और ये कह देना जन्नत और जहन्नम खाली चटियल मैदान जो तुम नेक अमल करते हो उसका एवज और बदल उसका समरा और नतीजा जन्नत या जहन्नम में पैदा कर दिया जाता है। तुम अगर एक मरतबा सुभान अल्लाह कहते हो इसके समरे में नतीजे में बदले में इसके अजर में एक महल जन्नत में तैयार कर दिया जाता है। और अगर तुम कोई झूठी बात कहते हो गलत बात कहते हो गीबत करते हो इसके बदले में चांदन में बदले के करीब पर सांप और बिच्छू और आग के अंबार बना दिए तो जन्नत भी साफ चटियल मैदान जहन्नम साफ चटियल मैदान। लेकिन हमारे जो आमाल हमारे जो आमाल है उनका नतीजा और नतीजा सूरत बनाकर वहां जमा कर दिया गया। हम अमल कर रहे हैं ये रायका और बेकार नहीं है हमारे आमाल पर पहुंच करके जन्नत के लायक है जन्नत में जहां जहां के लायक है तो जहां जहां में उन्हें जमा कर दिया जाता है। इसीलिए हर इंसान का मकाम हर इंसान का मकाम जन्नत अगर तुम ये अमल न करते तो जहां जहां की तुम्हारा जहां जहां बताया जाएगा कि तुम्हारा मकाम तो ये है अगर तुम अच्छे अमल करते तो जन्नत में ये तुम्हारा मकाम। तो ये है किताब ये इंसान को इंसानियत का सबक देने वाली चीज है। इसी बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खबर दे दी तुम्हारी जिंदगी के अमल और बात वो है जो यूं कहते हैं हमारी जुबान से बात निकली खत्म जवाने से आमाल की खत्म जब इनका कोई जिस्म नहीं है तो इनका वजन कैसे होगा। उसके साबित करने के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कह रहे हैं याद रखना किसी के गलत सहमे में गलत बातों में ना आना वरना बनी आलम के आमाल जवारे से किए हुए काम उन तमाम का वजन बन अब बाद में जो यूं कहते हैं हमारी जुबान से बात निकली खत्म जब इस जगह वजूद नहीं रहा तो फिर कैसे वजन बने। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं दुनिया में जितनी चीजें हैं जितनी भी कोई भी चीज दो हाल से खाली दो या तो वो जौहर है और या वो अमानत है। जौहर तो कहते हैं जो कायम की जाती ही हो जैसे ये चीज है किताब है सिपाही है ईमान मकान ये तो जौहर कहलाता है अपने वजूद में गैर का मोहताज नहीं। एक दूसरी चीज है जिसको हम अपनी इस्तिलाह में अरज अरज के माना जिसका वजूद खुद कायम ना है
मकूलात नौ चीजें हैं जो अपने वजूद में दूसरे की मोहताज है। जैसे रंग 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 जो है खुद नहीं, काला है सफेद है, कपड़ा है नीला लाल पीला हरा सब कुछ है, तो रंग अपनी जात में दूसरे के वजूद का मोहताज है कि जब दूसरा मौजूद तो उसके साथ वो होगा, इसे अरंग कहते हैं। अब हमारी जुबान से जो बात निकली जब शायरी में कोई वजूद नहीं अरंग है, कलाम मुतकल्लिम से था तो जब इसका वजूद न रहा तो कैसे बोला जाए। इसके तीन जवाब, एक जवाब तो ये है हमारी जुबान से जो बात निकली फरिश्ते लिख रहे हैं, एक सैकिल निरंतर नहीं है फौरन लिख लेते हैं, जब कयामत का दिन होगा तो फिर हमारे नाम आया आमाल को बोला जाए। एक हदीस है कयामत के दिन एक आदमी के दिन जान में दफ्तर बुराइयों से भरे हुए